वहीं बेमेतरा यातायात पुलिस व नगर पालिका की टीम ने नेशनल हाईवे मुख्य मार्ग पर वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की है। साथ ही सड़क किनारे ठेला लगाने वालों व दुकान संचालकों को समझाया गया कि सड़क पर वाहन खड़ी ना करें और यातायात नियमों का पालन करें, जिससे किसी को भी आने जाने में परेशानी का सामना ना करने पड़े। बेमेतरा से योगेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट। हम सिग्नल चौक से कबीर कुटी आश्रम तक जो NH पे फोर व्हीलर या टू व्हीलर नो पार्किंग पे खड़ी होती है उस पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी उनके साथ और हमारी टीम ज्वाइंट एक ऑपरेशन के तहत जो NH पे ठेले और गुमटी वाले हैं उनको आज समझाइश दिया गया कि आप अपना जो है कि व्यवस्थित जो सुनिश्चित किया गया है मार्केट पे आप अपने फल ठेला लगाइए ताकि NH पे आवागमन सुरक्षित एवं व्यवस्थित किया जा सके। पुलिस विभाग के नगर पालिका के संयुक्त टीम के द्वारा जो सिग्नल चौथा से कबीर कोटी तक के दुकानदारों को समझाइश दी गई। फल ठेला जो है अन्यत्र से आकर के जो मेन मुख्य मार्ग पर लगाए हुए हैं और NH में जो मुख्य मार्ग उससे भी 5 फीट 7 फीट आगे ले आए उनको आज प्रथम दिवस है, इसलिए समझाइश दी गई है कि निर्धारित जगह पर ही लगाए और कल से यदि उनके द्वारा निर्धारित जगह कथित अन्य जगह पर लगाया जाता है तो चलानी कार्रवाई की जाएगी। ये मेरी गाड़ी किनारे में पार्क किया था और वैसे सड़क के किनारे रोड पे था, तो अभी पुलिस वाले लोग आए हुए हैं और वहाँ पे मेरी गाड़ी लॉक किए हैं। बेमेतरा के नागरिक होने के नाते हम लोगों को भी चाहिए कि हम सब भी यातायात के नियमों का पालन करें और मैं भी कहूँगा कि हमको आइंदा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और पब्लिक को दिक्कत ना हो, यातायात में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इन बातों के लिए हमको सचेत रहना चाहिए और आगे ऐसी गलती हम सब ना दोहराएं।